सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम नई संजीवनी से पाठ 7 सच्चा दान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखेंगे, अवश्य, समाप, प्रस्थान, निर्धन, आश्चर्य, साक्षात, निश्चय, उपस्थित, वृथा, नम्रता। बच्चों, आपने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी अवश्य होंगे। वे दया व करुणा के साक्षात अवतार थे। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना के बारे में बात करते हैं। एक बार की बात है, वे राजगृह में ठहरे हुए थे। वहीं रहकर उन्होंने लोगों को उपदेश दिए तथा सच्चा मार्ग दिखाया। वर्षा काल समाप्त होने के उपरांत उन्होंने वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। उनके भक्तगण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट लेकर उपस्थित हुए। फिर मगध के सम्राट बिंदुसार भी बहुमूल्य भेंट लेकर उपस्थित हुए। ऐसे ही अन्य राजाओं, सेठ साहूकारों ने भी हीरे जवाहरात तथा सोने चांदी के आभूषण बर्तन महात्मा बुद्ध के चरणों में चढ़ा दिए। परंतु महात्मा बुद्ध जी की दान स्वीकार करने की विधि बिल्कुल ही अलग थी। वे केवल अपने हाथ फैला देते, मानो दान स्वीकार कर लिया। अचानक एक घटना घटी। भीड़ में से एक वृद्धा निकल कर आई और बोली, भगवान, मैंने सुना है आप दान ग्रहण कर रहे हैं। मैं एक निर्धन वृद्धा हूँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। उस वृद्धा ने कहा कि आज मुझे खाने में एक आम मिला था। जब मैंने आपके जाने की बात सुनी, तब तक मैं आधा आम खा चुकी थी। इस आधे आम को आपके चरणों में भेंट करने के लिए आई हूँ, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बुद्ध जी ने उस वृद्धा का आधा आम दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार किया। इस बात पर बिंदुसार चिंता में पड़ गए और उनके मन में उठ रहे प्रश्न को वह रोक ना सके और उन्होंने पूछ ही लिया कि आप हमारे बहुमूल्य उपहार को चुपचाप एक हाथ फैलाकर स्वीकार करते रहे, किंतु इस वृद्धा का आधा आम दान में लेने के लिए आसन से नीचे उतर आए। तो बुद्ध जी मुस्कुराने लगे। वे बोले, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संपत्ति मुझे दे दी है, जबकि आप लोगों ने अपनी संपत्ति का एक अंश ही मुझे दिया है। जितना आपने भेंट चढ़ाया है, उससे कहीं अधिक दान देने का अहंकार बदले में लिया है, पर इस वृद्धा के चेहरे पे करुणा और नम्रता है। भगवान के इस कथन को सुनकर सभी के चेहरे झुक गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दान देते समय अहंकार न करते हुए करुणा व नम्रता रखनी चाहिए। अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। अब शब्दों के अर्थ देखेंगे। साक्षात, प्रकट रूप में, बहुमूल्य, बहुत कीमती, आश्चर्य, हैरानी, वर्षाकाल, बरसात का समय, उपस्थित, हाजिर, अहंकार, घमंड, उपरांत, बाद में, स्वीकार, मंजूर, नम्रता, झुकने का भाव। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका में इस पाठ का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर नए शब्द और शब्द अर्थ कार्य पुस्तिका में सुंदर लिखावट में करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।